लोगों को पवित्र से सच में बहुत प्यार है, और आज भी मैं कहीं भी जाती हूँ लोग मुझे सच में अर्चना बोलते हैं। मैं एक ही चीज़ तो बार बार नहीं कर सकती आई थिंक। अब बाहर जाते हैं वहाँ पे एक बार कोई ना कोई फैला के जरूर बोलता है, इमोशंस की बात जो नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो जाता है आई थिंक। या इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक। इतने सारे रिश्ते आपने जी के साथ बनाए हैं एक शो से, एंड आज जी को पूरे 30 साल पूरे हो चुके हैं, कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है क्योंकि इस शो में मैं दादी भी बनी हूँ, नानी भी बनी हूँ, बेटी भी बनी हूँ, बहू भी बनी हूँ, बहन भी बनी हूँ। सो आई थिंक जी ने मुझे सारे रिश्ते, अरे सॉरी वाइफ भी बनी हूँ उसी वजह से मैं ये। सो ऑफ कोर्स ये सारे रिश्तों को लेकर एक पवित्र रिश्ता बना था, और वो बहुत दिल के करीब है शो। और जी मेरे दिल के वैसे भी बहुत करीब है क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत जी सिनेस्टार की खोज से की थी, विच वॉज इन 2004। सो आई मतलब अच्छा लगता है यार, जी आज 30 साल का हो गया है। और मुझे याद है एक आई रिमेम्बर कि लोगो चेंज हुआ था 2011 और 10 में हुआ था। सो आई है ना 11 में हुआ था, तो यू नो तब हम लोगों का शो नया नया आया था, और आई रिमेम्बर मैंने फर्स्ट टाइम एंकरिंग की थी और मैंने बिल्कुल लोगो चेंज करवाया था। सो यू नो दैट इज़ समथिंग, हमने शायद जी के साथ मैंने इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं और बहुत अच्छा लगता है यार। पवित्र रिश्ता की बात करो, आज भी लोग प्यार करते हैं आपको उस किरदार में, जी मिस करते हैं कि कोई कई हद तक मानते कि फिर से वो शो आना चाहिए। आकर गया वो, आके गया बट फिर से एक और बार आना चाहिए वो। अच्छा Z5 पे था, ZTV पे। तो ये आई एम श्योर लोगों को पवित्र से सच में बहुत प्यार है, और आज भी मैं कहीं भी जाती हूँ लोग मुझे सच में अर्चना बोलते हैं, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसी ने मुझे एक पहचान दी है। आई थिंक अर्चना देशमुख ने मुझे एक पहचान दी है, और इट फील्स ग्रेट। बट अब मैं एक ही चीज़ तो बार बार नहीं कर सकती आई थिंक, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सो बेस्ट इज आएगा तो भी कोई बोर नहीं होगा, सब एक्चुअली एक्साइटेड। बट आई थिंक रिपीट टेलीकास्ट चल रहे हैं अभी भी और पीपल आर एक्चुअली वाचिंग। हम कहीं बाहर जाते हैं वहाँ पे एक बार कोई ना कोई फैला के जरूर बोलता है। आई थिंक सुपर फॉर्म्स में पवित्र रिश्ता स्पेशल था। सो मेरे को लगा मतलब अब इतने सालों बाद क्यों, बट आई थिंक ये प्यार है लोगों का जो सच में उन्होंने प्यार दिया पवित्र रिश्ता। एक शो भी, एक परफॉर्मेंस भी हुई थी जिसको आपको देखा काफी इमोशनल हुए, जी जी कहना चाहोगे उस परफॉर्मेंस? आई थिंक इमोशनल से ज्यादा यू नो इतनी सारी चीजें पवित्र रिश्ता से हो रही थी, और पवित्र रिश्ता इतने दिल के करीब रहा है। सो यू नो इमोशंस की बात जो नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो जाता है आई थिंक, या इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक, और बस दैट्स इट। आर यू परफॉर्मिंग टुनाइट और कुछ? आई एम परफॉर्मिंग, यस। इन्होंने अच्छा मैंने डांस तो जी के साथ मेरा हमेशा एक नाता रहा है जिसमें मैंने हमेशा परफॉर्म किया है, तो इस बार वापस मुझे मौका मिला जी के साथ परफॉर्म करने का, और उसमें श्रद्धा भी थी, और श्रद्धा मेरी सबसे पुरानी दोस्त है, सबसे पहली दोस्त है आई वुड से जी सिनेस्टार की खोज में। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम वापस एक थैंक यू।